जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है। चरण दास भक्त को न रही है, उसको कुछ पता है भक्त चरण दास। कन्हैया कुमार ने आरजेडी के एक प्रवक्ता को सलाह दी कि अपने आका से पूछें कि भक्त चरण दास कौन है। लालू यादव ने जवाब में कहा कि भक्त चरण दास भक्त चोनहर दास है। लालू प्रसाद यादव के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने जहां माफी न मांगने पर विरोध करने की चेतावनी दी है, वहीं आरजेडी भक्त चोनहर शब्द का मतलब समझाते हुए मुद्दे को हल्का करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस भक्त चरण दास के कन्हैया कुमार मुरीद हैं, जिन्हें अपने कांग्रेस में शामिल होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं और जिन्हें लालू ने भक्त चोनहर दास कह दिया, वो भक्त चरण दास हैं कौन? ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। ये वो इंसान है जिनके चलते वेदांता का 50,000 करोड़, सुनना बैठा लीजिएगा संबित पात्रा की तरह, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए। के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है। चार बार सांसद और चार बार विधायक रह चुके भक्त चरण दास उड़ीसा के कालाहांडी जिले के भवानी पट्टा के रहने वाले हैं। वही कालाहांडी जहां के बाशिंदों के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो इमली का पानी पीकर सो जाते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकलने वाले, देश के सबसे पिछड़े इलाके से ताल्लुक रखने वाले भक्त चरण दास ने काठ की हांडी से देश के संसद तक का रास्ता तय किया। विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने और फिलहाल कांग्रेस के बिहार, मणिपुर और मिजोरम के प्रभारी हैं। राजनीति में प्रवेश करने से पहले भक्त चरण दास ने वकालत की पढ़ाई की थी। वो वकालत की प्रैक्टिस भी करते थे लेकिन राजनीति ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ऐसे में भक्त चरण दास जेपी आंदोलन के वक्त युवा छात्र संघर्ष वाहिनी से जुड़े। युवा छात्र संघर्ष वाहिनी के बैनर तले ही भक्त चरण दास आदिवासियों के हक हुकूक से जुड़े आंदोलनों का नेतृत्व करने लगे। साल 1985 में पहली बार कालाहांडी से विधायक चुने गए। साल 1989 में पहली बार सांसद बने। 1990 में खेल एवं युवा मंत्रालय का कार्यभार मिला। 1996 यानी 11वीं लोकसभा में दोबारा सांसद चुने गए। साल 2009 में भी सांसद बने। कुल मिलाकर भक्त चरण दास चार बार सांसद और चार बार विधायक रह चुके हैं। साल 2003 में जब वेदांता और उड़ीसा सरकार के बीच जंगलों में खनन को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर हुए तो भक्त चरण दास समेत कई अन्य नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। वर्तमान समय में जब कांग्रेस पार्टी टूट रही है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे वक्त में भक्त चरण दास ने कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे युवा नेताओं को पार्टी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तभी शायद कन्हैया कहते हैं कि भक्त चरण दास ना होते तो शायद कांग्रेस में कन्हैया ना होता, ना ही जिग्नेश होता। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।